हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ब्लूटूथ ईयरफोन रिपेयर। ये देखिए दोस्तों, जिसकी जो चार्जिंग वाली स्लॉट की इन पिन होती है जो कि टूट गई है। फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड की ईयरफोन है जो कि उसने मुझे रिपेयर करने के लिए दिए। आप तो जानते ही होंगे आजकल ईयरफोन के बगैर कुछ काम नहीं होता है। दोस्तों, आप और कुछ मैं समझ नहीं लगना, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल नहीं लग रहा है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ब्लूटूथ कितना ज़रूरी है। मतलब आप और कुछ समझ नहीं लगे। दोस्तों, मैं इसको कर रहा हूँ ओपन। ये देखिए, ये ओपन हो गया। हो जा ओपन हो जा। अरे भाई, अरे ओपन हो जा यार। हो गया ओपन। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये इन पिन थी जो कि टूट गई। दोस्तों, वो पुरानी वाली पिन थी जो कि खराब हो गई। मैं ये नई पिन मेरे पास थी तो मैं इसमें ये वाली पिन लगाऊंगा। ये देखिए, जिसके ये पतले पतले वायर हैं इनको हम करेंगे पहले सीधा। अच्छे से करना है आपको, कोई ही टूट ना जाए, ये भी बहुत पतले रहते हैं। ये देखिए, इनको सीधा कर लेंगे। ये दोस्तों, ये टच ना हो, अगर टच हो गए तो ये अपनी चार्जिंग ब्लूटूथ चार्जिंग नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लगेगी। ये देखिए, परफेक्ट फिक्स हो गई है। अब इसकी करेंगे हम होल्डिंग। ये देखिए, पिन पर आनी चाहिए, टच ना हो किसी पिन किसी से। टच होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। आसानी से इसकी सोल्डरिंग कर दी, अच्छे से सोल्डरिंग करना, कहीं कवाय टच ना हो। ये बाजू में भी इसकी हम सोल्डिंग कर देंगे ताकि ये बाद में लिख लेना, अच्छे से फिक्स हो जाएगी। इसको और मजबूत बनाने के लिए हम करेंगे इसके आजू बाजू सोल्डिंग। उसको जैसे ये पैसा फिक्स था उसको मैं सीधे कर देंगे। ये फिक्स हो गया। ये देखिए, हमारी पेन बिल्कुल अच्छी तरीके से।